दोस्तों आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ आज मैं आपको बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ के जो एक ख़ास बात ये है कि जहाँ मैं आया हूँ यहाँ सुना जाता है कि यहाँ से पानी निकलता और आगे बहता है, इसके पीछे पानी का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन जो नदी जो बह रही है यहाँ से वो केवल यहीं से निकली और आगे की ओर चली गई है। तो मैं अभी पहले आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर एक मूवी शूट हुई थी बांसुरी एक प्रेम कथा, तो जहाँ पर बांसुरी प्रेम कथा की शूटिंग हुई थी मैं उसी मंदिर में आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए वो कौन सा मंदिर है कहाँ पर वो शूटिंग हुई थी। आप भी चाहे तो नेट पर सर्च मार के देख लीजिए बांसुरी प्रेम कथा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, परिवार के साथ बैठ करके देखने लायक मूवी है। तो चलिए मैं चलता हूँ उस मंदिर की ओर। ये देखिए ये सीन आपने उस मूवी में देखा होगा, ये है और बिल्कुल सेम टू सेम आपको जो है ये देखने को मिलेगा मूवी के अंदर। ये वो मंदिर है जहाँ पर बांसुरी प्रेम कथा की शूट हुई है। चलिए अब चलते हैं बाहर की ओर। अब कोई नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि पानी के निकलने की जगह जो है, अब थोड़ा उधर की ओर चलते हैं। चलिए तो ये बाबा जी हैं जो यहाँ पर मंदिर पर रहते हैं, तो इन्होंने हमें यहाँ के राज के बारे में बताया कि यहाँ पर 70 से 80 साल पहले कोई और बाबा रहते थे जिन्होंने, ये देखिए ये माता जी का मंदिर है और यानी कि माता जी के चरणों से ये मतलब नदी जो निकली है, यानी कि बाबा जी ने यहाँ पर एक कोई त्रिशूल लगाया था, त्रिशूल लगाने की वजह से यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ और आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे इस पानी का आकार बढ़ता जाएगा। निर्मल जल है ये, निर्मल और शुद्ध जल है, इसको कोई व्यक्ति पी सकता है, गंगा जल के रूप में बिल्कुल काम करता है। देखिए बाबा हमें जानकारी दे रहे हैं इस चीज़ की। ये देखिए वही मंदिर जहाँ पर शूट हुई थी बांसुरी एक प्रेम कथा की शूटिंग यहीं पर हुई है। ये रास्ता यहीं स्कूने पर जल का ग्रहण करेगा, आवाज दे रहा हूँ। अच्छा लग था, किसी को कुछ नहीं आता, शेर आता है यहाँ पर आता है वो अपना दर्शन करके। अच्छा बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पर एक शेर जो है वो डेली यहाँ पर आता, जल ग्रहण करने के बाद फिर यहाँ से वापस चला जाता, लेकिन आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर शेर हमें भी देखने को मिलेगा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, अगर नहीं दिखाई देता तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर मौका मिलेगा तो आपको शेर में जरूर दिखाऊंगा। कि पड़े ठंड में कुछ कहते थे नहीं गुलदार, ना ना बस मतलब अपना सब अपने ले जा बकरी। हाँ। सकरी है कुत्ते पुत्ते जो भी मिले हाथ पे भोजन का, वो तो है। चलो 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 थोड़ा यहां से जाओ ऐसे ही हो, चलिए वो देख के आते हैं वो जहां से पानी निकल। चलिए जी आज हम आपको बिल्कुल दर्शन करवा के रहेंगे हर चीज के। ये देखिए हाँ यार ये है, सही कह रहे हो बिल्कुल, ये रहे सही है वगैरह ये है भैया यहाँ से निकल। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है, बस ये पीछे की तरफ चला गया। ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, इससे पीछे कहीं पानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ से पीछे की ओर आपको बिल्कुल सूखा खेत नज़र आएंगे, चारों ओर खाली पड़ा हुआ जंगल है, दूर दूर तक कहीं कोई नदी या कोई तालाब नहीं है। ये इस तरीके से यहाँ चारों ओर से पानी मतलब बस यहीं निकलता है,
देखिए ये चारों तरफ मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ, केवल ये इतना एरिया है जहाँ से पानी निकल रहा है, और ये एक छोटे नाले के रूप में यहाँ से इस वन के बीच में होते हुए निकल गया। यहाँ बताया जाता है पहले यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ खड़े थे, लेकिन आज यहाँ चारों ओर थोड़ा जो वन जो थे पेड़ जो थे उनको काटने के बाद एक मंदिर बनाया गया। 70 से 80 साल पहले का ये मतलब जो प्रक्रिया है ये 70 से 80 साल पहले एक बाबा ने की थी। गाँव के पानी पीते हुए पानी को जीजाजी पी रहे हैं। अब मेरी चलिए अब तुम्हारी बारी है। मेरा तो बस नशा उतर गया। मरनी स्लिप पर पानी कहाँ आ रहा है तो सोच लो। चलिए भाई ठीक आगे चले पीछे चले अब किधर जाना है बताओ। रतनाल नदी चलेंगे। हाँ रतनाल नदी अब चलते हैं। अब चलते हैं रतनाल नदी की ओर जहाँ पर यहाँ से जो कि यहाँ से बता रहे 2 से 3 किलोमीटर दूर है। अब चलते हैं रतनाल नदी, उसके बाद कोई ये दौरानी जिठानी का कुआ है कोई जहाँ पर आज तक पानी सूखा नहीं है। आज भी लोग